सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरह से देखा जाए 2013 का ये पूरा मामला था, अब इतने जिस तरह से पूरा मामला 5 साल से भी ज्यादा चला और अब जाकर पीड़ित परिवार को, पीड़िता को इंसाफ मिला है। आज की अगर हम बात करें, फास्ट ट्रैक की बात होती है, सख्ती की बात होती है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से ये पूरे मामले की अगर हम बात करें, 5 साल का लंबा एक इंतजार, तो क्या यहां पर आज फास्ट ट्रैक की बात होती है, उस जमाने में भी इस तरह का इंतजार, तो कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि आज भी लोगों को इंसाफ के लिए इंतजार करना है। नहीं, देखिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट का सेटअप हमारे इसमें आया, सिस्टम में आया दिसंबर 2012 के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट हुई। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट के बाद कुछ और ज्यादा हाईलाइटेड मैटर हो जाते हैं ना, डे टू डे हियरिंग का भी प्रोविजन है। सीआरपीसी हमारी बहुत समय से कह रही है, ये अभी की बात नहीं, सीआरपीसी आईपीसी में कोई कमी नहीं, वो कह रही पहले से भी कि अगर कोई ऐसा मैटर उसे डे टू डे हियरिंग भी सुना जा सकता, जल्दी डिसाइड किया जा सकता। चार्जशीट फाइल करने का 90 दिन का टाइम है, लेकिन फिर भी हमारे पुलिस अधिकारियों में इतनी क्षमता है कि वो 10 से 15 दिन में भी चार्जशीट फाइल कर सकते हैं। लेकिन टाइम क्यों लगता है, टाइम थोड़ा लगना भी चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में कोई काम नहीं। कई बार क्या होता है, हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में नीचे से कई केस ऐसे आते हैं जल्दबाजी में जो हो गए, जैसे आपने गुड़गांवा वाला देखा बच्चे का, वो जल्दबाजी में गिरफ्तार कर लिया, ड्राइवर को कर लिया, उसको मीडिया प्रेशर, पब्लिक प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर, मुख्यमंत्री पूछ रहा है, मीडिया आईडी लेके खड़ी है। तो वहां पर क्या होता है, जल्दबाजी में पुलिस किसी को भी झूठा उठा के बंद कर देती है। हमारे देश के संविधान की क्या संरचना है कि 99 दोषी चाहे छूट जाएं, 99 दोषी सीधे कहा गया है, चाहे छूट जाए, लेकिन किसी एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, हमारे देश का संविधान। तो इसलिए उसमें इतनी जल्दबाजी नहीं, चार्जशीट टाइम पे फाइल हो, इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से की जाए। आपने जम्मू कश्मीर हिमाचल का गुड़िया वाला केस देखा, पहले किनको मुलजिम बना दिया गया, फिर कौन मुलजिम निकले, फिर वहां क्या हुआ। अभी आपने कठुआ का देखा केस, कठुआ में कौन मुलजिम बना दिए गए, फिर वहां की क्या बात आई। तो जल्दबाजी जो इन केसों में होती है, कुछ तो आपकी मीडिया की वजह से भी होती है, कुछ नेताजी राजनीति करने आ जाते हैं, नेतागिरी करने, कुछ उनकी वजह से होती है, कुछ पब्लिक कैंडल लेके आ जाती है रोड पे, अपने घर के बच्चों को संभालने में उनका इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन कैंडल लेके आईडी के सामने फोटो खिंचवाना और न्यूज़पेपर में छपना और चैनल पे चलना उनकी आदत, ये हमारे समाज की विकृत चीजें हैं। आप नीचे से चलिए तो इन्वेस्टिगेशन पूरी हो, प्रॉपर तरीके से कोर्ट में चार्जशीट फाइल हो, चार्जशीट के बाद दोबारा सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करने की जरूरत पड़े वो भी पड़े, फिर एविडेंस हो टाइमली, पूरे टाइम पे एविडेंस हो, गवाहों को सुरक्षा दी जाए, जैसे आसाराम वाले केस में कुछ गवाहों की हत्या हो गई या क्या नहीं, वो एक अलग विषय रहा होगा उनका, क्या पता नहीं क्या नहीं, लेकिन वो भी नहीं होना चाहिए। गवाह पूरा गवाही दे, डिपोज करे आके कोर्ट में सही सही, और गवाह को भी ध्यान रखना चाहिए किसी दबाव में, किसी के दबाव में, और कंप्लेनेंट को भी ध्यान रखना चाहिए कभी किसी को झूठा केसों में फंसाने की ना, कि ये भी हमारे समाज में चलन पड़ गया। अब पता चल गया पॉक्सो में तो उम्र कैद हो जाती है, अब जो कानून है पॉक्सो में तो फांसी हो जाती, तो लोग अपने बदला लेने के लिए, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक बदला लेना, आर्थिक बदला लेना, हम तो देखते हैं कई मैटर ऐसे आते हैं, मामला प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट परिवार में, उन्होंने कहा ली अपनी बच्ची और ठोक दो इस पर पॉक्सो, पॉक्सो लगा दो और बाद में फैसला कर लेंगे। जी ससुर ने तो अब नाम रहे, मैंने कहा अब क्यों चाह रही हूं विड्रॉ करना, वापस करना, उन्हें तो नहीं पता, वो कह रहे विड्रॉ कर दो केस, मैंने क्यों कर दो, इसलिए कर दो ससुर ने नाम मकान मेरे कर दिया है, अब केस को वापस कर दो, मैंने ये तो नहीं होगा, कह नहीं हाईकोर्ट से करा दो, क्वेश करा दो, अब उन्हें सब पता चल जाता है ये सब। तो मिसयूज कानून का नहीं होना चाहिए, जो दुरुपयोग बढ़ता है इसकी वजह से भी झूठे केस सच्चे केस के बीच जो बारीक तार है कोर्ट असमंजस में पड़ जाती है। कोर्ट कहती है इससे जैसे लिस्ट लगी है केस कि दूसरा नंबर तो ये 2-3 नंबर के तो केस झूठे थे, इसमें तो अब गवाह कह रहे बयान कह रही आके नहीं, हमने तो ऐसे पुलिस ने हमसे सादे कागजों पर साइन करा लिए, पुलिस ने हमसे प्लेन पेपर पर साइन करा लिए, मजिस्ट्रेट के सामने बयान हुए थे उसमें क्या हुआ, जब जब सब पूछते हैं कहने जी पुलिस वाले ने हमसे कह दिया था कि ऐसे ऐसे बयान दे देना, हमने मजिस्ट्रेट के सामने दे दिया 164 के बयान। तो जो मिसयूज होता है उसकी वजह से सच्चे केस भी बच जाते हैं। बिल्कुल, तो मिसयूज कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा कारण है। सुमन दैया जी, मैं आपके पास आऊंगी, हम बात कर रहे हैं मानसिकता की भी, क्योंकि कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों के लिए मानसिकता एक बहुत बड़ा कारण है। लेकिन अगर हम बात करें, जो बाबा है, गुरु है, जो अच्छे मार्ग पर चलने की नसीहत देते हैं, जो अच्छे काम करने की बात करते हैं, जब वही इस तरह के कृत्य करते हैं, जो इस तरह का घिनौना काम करते हैं, तो क्या लगता है कि आखिर वो भी तो पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी इस तरह की मानसिकता, और भक्तों में इस तरह का क्या संदेश जाएगा?
बिल्कुल बिल्कुल आशिमा, देखिए हमारे, मैं कहूंगी एक दुर्भाग्य कहूँ हमारे देश का, या इसको हम ये कहें कि कहीं ना कहीं हम इतने इमोशनल होते हैं, और जब भी किसी सत्संग में या कहीं पर भगवान के नाम पर कोई भी हमें लूट लेता है, ठग लेता है, हम जाते तो ये है कि कुछ अच्छी बातें सीख कर आएंगे। महिलाएं खास तौर से क्या होता है हमारे यहाँ पे, क्योंकि हाउसवाइफ रहती है ज्यादातर, तो वो क्या करते थे घर के कामों में और इधर उधर होने में, वो मानसिक दबाव जब महसूस करने लग जाती थी तो कहीं ना कहीं उन्हें लगता था सत्संग में चले जाए, चलो पूजा में चले जाए, कहीं पर चले जाए। लेकिन वो एक, हम उसको बुरा नहीं मानते कि आप अच्छे जा रहे हैं, अच्छी जगह जा रहे हैं, किसी बाबा के यहाँ पर आपने नाम लिया, आप जा रहे हैं, आप अच्छी चीज सीख कर आइए ना, आप बुरी चीज में इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये गलत है। किसी भी अच्छी, आज आप सबको पता है, हम सबको पता है, चाहे भगवान है, ईसा मसीह है, चाहे क्रिश्चियन है, किसी का भी धर्म है, वही बातें सेम सब धर्म कहते हैं, हम सब किताबों में पढ़ते हैं, शिक्षा में भी देखते हैं, सब जगह देखते, लेकिन हमें ये क्या हो जाता है कि हम किसी बाबाओं की गिरफ्त में इतना आ जाते हैं कि हम ये नहीं समझ पाते कि हम अपने परिवार से दूर होके हम सब कुछ भूल जाते हैं, अपनी बच्चियों तक को भी वहां इन्वॉल्व कर देते हैं, और उनके इतने बहकावे में या जिस तरह वो सम्मोहन प्रक्रिया बाबाओं की होती है जिससे वो सम्मोहित कर लेते, बाद में हमारे पास जो केसेस आते हैं वो इसी तरीके के आते हैं कि जब बाबा ने कुछ सम्मोहन कर दिया, वो कुछ ऐसी प्रक्रिया चला दी कि हमें पता ही नहीं चला हमारे साथ क्या हुआ। तो इन सब चीजों से आप बचिए। आज मीडिया भी अवेयर करने के लिए सब चीजें, आज अवेयरनेस की कमी नहीं है, मैं इस चीज को खुल के कह सकती हूँ। आज कोई इस चीज को कहता है कि हमें जो है आज कुछ पता नहीं, तो आज बहुत जागरूक समाज हो चुका है। जैसे कि हम बात करते हैं, आप देखिए जो हमारे पास ये आया भी कि 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के जो दोषी हैं, जो रेप के दोषी हैं, उनको फांसी की सजा दी जानी चाहिए। आज हर बार ये सवाल आपकी मीडिया ने उठाया कि क्या इससे रेप कम होंगे, तो मैंने एक बार कही कि हमारे यहाँ चार सिस्टम है इस पूरे सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। आज कानून ने, आज सरकार ने, सब ने एक आपको कानून बना के दे दिया, उसमें अमेंडमेंट हो गई। अमेंडमेंट होने के बाद क्या प्रशासन, जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, जैसे कि हमारे अभी वकील साहब एपी सिंह जी कह रहे थे कि इन्वेस्टिगेशन, अगर इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली नहीं होगी तो हमारा सिस्टम खत्म है। अगर इन्वेस्टिगेशन में दोषी के जो सबूत हैं वही पुलिस का आईओ अगर आपके सामने नहीं रखेगा, कोर्ट के सामने नहीं रखेगा, तो दोषी छूटेगा। और आप सब जानते हैं कि हमारे सिस्टम में छूटना कितना आसान है, ये वकील साहब भी बता देंगे, किस तरीके से पॉलिटिकल प्रेशर्स होते हैं, जिस तरीके से और प्रेशर्स आ जाते हैं कि आप इनको छोड़िए, कुछ नहीं है। तो क्या करते हैं पुलिस वाले, जिसने आईयू ने इन्वेस्टिगेशन करनी है उसके पास दोनों चीजें, आपकी फेवर में दे या अनफेवर में दे। चाहे आप किसी की सजा के लिए, आप कह रहे किसी बच्चे के साथ दुष्कर्म हुआ है, तो चार गवाह कोई और ही बना देते हैं, पॉजिटिव के बना लेते हैं या नेगेटिव के बना देते हैं। तो ये बहुत आवश्यक है कि सरकार जो है, अब बात आती सरकार पे, हम कहते सरकार पे ही उंगली क्यों उठती है, सरकार पे उंगली इसलिए उठती है कि सरकार का सीधा सीधा कनेक्शन प्रशासन के साथ है। अगर सरकार ये कह दे कि प्रशासन किसी तरीके का दबाव ना माने, या किसी के सिफारिशों को या पॉलिटिकल सिफारिशों को पुलिस क्यों माने, ये मेरे ऊपर, आज मैं एक अधिकारी हूं, अगर मेरे ऊपर प्रेशर बनते हैं, हमारे ऊपर ये कहा जाता है जी इसको छोड़ दो या इसमें इसको रिलैक्सेशन दे दो या ये दे दो, तो आप ऐसी चीजों को रोकें जो सरकार बातें करती है कि हम रोकना चाहते हैं। जब तक ये चीजें नहीं रोकेगी सरकार, एक स्ट्रिक्ट आदेश होते हैं, जैसे आपने देखा कोई भी सरकार बनती है प्रदेश में या कहीं पर भी, जैसे गुंडागर्दी को लेकर वो स्पेशल कह देते हैं कि भाई अब कोई गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं होगी, हम आ गए, चाहे कोई भी सरकार आती है, सब गुंडे यहाँ से भाग जाइए। आप इस तरीके की बातें, जो इस तरीके का जो व्यवहार, आप अगर बेटियों के मामलों में भी बोले, आप ये कहें कि सब जो इस तरीके के हैवान और शैतान जो समाज में घूम रहे हैं, जो हमारी बच्चियों को हवस के शिकार बनाते हैं, उन सब को भी एक आदेश ऐसा होना चाहिए भाई सख्ताई होगी और बख्शा नहीं जाएगा, बिल्कुल, तब हम मानेंगे कि सरकार की तरफ से आदेश हुए। आज हम अपने बेटे को तो ये कहते हैं, जब बेटा घर से निकलता है तो हम क्या कहते हैं, बेटा घर की इज्जत को, बेटी को हमेशा, बेटी घर से निकलेगी, एक लेक्चर होता है 5 मिनट का 10 मिनट का कि बेटा घर की इज्जत है संभाल के रखना। लेकिन अगर हम अपने बेटे को भी ये समझा दे कि बेटा दूसरे के घर की इज्जत को भी संभाल के रखना, तो शायद कहीं ना कहीं ये सिस्टम में बदलाव और ये जो घटना है ये कम होने का शायद कहीं ना कहीं उम्मीद हम कर सकते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल सही बात सुमन दैया जी ने कही कि जब बेटी घर से बाहर निकलती है, चार हिदायतें आपकी तरफ से दी जाती,
जाती है। वहीं अगर आपका जब बेटा निकल रहा होता है तब एक बार आप उसको डोक ले, चार हिदायतों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और इस तरह के मामलों को रोका जा सकेगा।